हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन, अभी तक हमने देखा था एम्पिरिकल इक्वेशन के बेसिस पे हम कैसे इवेपोरेशन को प्रेडिक्ट कर रहे थे। कुछ एक डाटा थे उस पे हम पुट कर रहे थे इक्वेशन पे और सीधे इवेपोरेशन निकाल रहे थे। बट अब हम डायरेक्ट इवेपोरेशन को मेजर करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट होगा हमारे पास, एक इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्ट इवेपोरेशन मेजर करेंगे, ठीक है। तो वेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इवेपोरेशन हमने देखा पिछली क्लास में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मेथड्स हैं वो डायरेक्टली हमको इवेपोरेशन डाटा नहीं देते थे, बट अब हम जो मेथड पढ़ेंगे दीज मेथड आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन डिजाइन प्रॉब्लम एंड ऑल्सो इन मैनी केसेस द रिक्वायर्ड डाटा मे नॉट बी अवेलेबल थ्रू द पेनमैन्स मेथड इज इंक्रीजिंगली यूज्ड। तो जैसे ISI स्टैंडर्ड इवेपोरीमीटर जिसको हम बोलते हैं, तो हम जितने भी इवेपोरेशन के डाटा हम मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरीमीटर। इवेपोरेशन मेजरमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू वैलिडेट द एम्पिरिकल इक्वेशंस दैट आर डेवलप्ड। इवेपोरेशन इज यूजुअली मेजर्ड आइदर बाय एटमोमीटर और बाय द इवेपोरेशन पैन। एक वर्ड आ रहा है इवेपोरेशन पैन। ये इवेपोरेशन पैन जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरीमीटर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन पैन को। इट इज आल्सो नोन एज इवेपोरीमीटर। तो एटमोमीटर भी है और इवेपोरीमीटर भी है, ठीक है। तो हमको एटमोमीटर से कोई मतलब नहीं है, हम जो इंपॉर्टेंट है बस उसको ही देखेंगे। इवेपोरेशन पैन के बारे में देखते हैं, तो द पैन आर कॉमनली यूज्ड एज इवेपोरेशन मेजरिंग डिवाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन मेजरिंग डिवाइस, बिकॉज दे आर इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल टू इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही इसकी कॉस्ट कम होती है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इन इवेपोरेशन पैन द डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज मेजर्ड एज द ड्रॉप इन वाटर सरफेस लेवल। जैसे ये हमारा इवेपोरेशन पैन सिंपल डिवाइस होता है, कुछ नहीं मतलब, ठीक है। तो जैसे सिंपल अपन इसमें वाटर क्या कर देते हैं, पोर कर देते हैं, इसमें वाटर होता है, ठीक है। अब
हम देखते हैं कितना वाटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी डेप्थ इसकी इवेपोरेट हो गई है वाटर की, उससे हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, ये वाटर लेवल यहां तक इसका मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें आप अच्छे से इसको बना लेना, अभी सिर्फ समझने के लिए ये वाटर लेवल है, ये साइन है, ये वाटर लेवल का साइन है, ठीक है। तो द पैन आर कॉमनली यूज्ड एज इवेपोरेशन मेजरिंग डिवाइस बिकॉज दे आर इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल टू इंस्ट्रूमेंट। इन इवेपोरेशन पैन द डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज मेजर्ड एज द ड्रॉप इन वाटर सरफेस लेवल इन द पैन। इन दैट इंटरवल करेक्टेड फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मतलब यदि कुछ हमने जैसे एक पैन पे वाटर रखे, अब हमने देखा कि इसकी डेप्थ कितनी कम हो गई है, कितना पानी इवेपोरेट हो गया। अब इसी टाइम पे अगर कोई रेनफॉल हो रही है तो हम उस रेनफॉल को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। यदि कोई रेनफॉल है, यदि इफ एनी ऑब्टेंड फ्रॉम एन एडजेसेंट और अ नियर बाई स्टैंडर्ड रेन गेज, यदि इसके पास भी कोई रेन गेज है वहाँ पे हमको रेनफॉल का डाटा मिलता है उस टाइम पे, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। द ऑब्जर्वेशंस आर यूजुअली टेकन ऑन डेली बेसिस एंड आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट ऑन ईच डे द वाटर लेवल इन द पैन इज रीस्टोर्ड टू अ स्टिपुलेटेड वैल्यू बाई एडिंग और रिमूविंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। Any cylindrical vessel of 1.2 to 1.8 meter diameter and 0.3 meter height with open top and made of galvanized iron sheet. ये जो बना हुआ होता है instrument, ये galvanized iron sheet का बना हुआ होता है। ये गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का बना हुआ होता है, इसकी जो डायमीटर होती है 1.2 to 1.8 मीटर इसकी डायमीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर कितनी होती है 1.2 to 1.8 मीटर इसकी डायमीटर, ठीक। अगर सेंटीमीटर में बोले तो 180 करीब, ठीक है, ठीक 180 या 183 के लगभग 1.2 to 1.8 मीटर, तो 120 से 180 सेंटीमीटर के बीच इसकी क्या होती है डायमीटर होती है, और उसकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है 0.3 मीटर हाई विथ ओपन टॉप, ठीक है, 0.3 मीटर हाई, मतलब यहाँ से हम देखें मीटर हाई विथ ओपन टॉप एंड मेड ऑफ गैल्वनाइज्ड आयरन शीट कैन बी यूज्ड एज एन इवेपोरेशन पैन। द वाटर लेवल विद इन द पैन इज मेंटेन्ड बिटवीन 5 to 7.5 सेंटीमीटर बिलो द रिम ऑफ द पैन। हमको यहाँ से ये जो वाटर है इसकी हाइट कितनी मेंटेन करके रखना पड़ता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, या 5 to 7.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है किसकी वाटर की वो यहाँ से कितना होना चाहिए 61 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की ये मैंने बताई थी 7.5 to 5 सेंटीमीटर। तो ये तो बात हो गई कि इवेपोरेशन पैन जनरल कैसा होता है, इसके बाद हम और संकन पैन पढ़ेंगे, आईएसआई स्टैंडर्ड पैन पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो अब देखते हैं, एक एक वर्ड आता है पेन कोफिशियंट, ठीक है। पेन कोफिशिएंट, तो अ क्रिटिकल और अ जो पेन कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट होता है। पेन कोफिशिएंट क्या होता है? एक्चुअल इवेपोरेशन फ्रॉम रिजर्वायर टू मेजर्ड इवेपोरेशन फ्रॉम पैन। पेन कोफिशिएंट क्या होता है? एक्चुअल इवेपोरेशन फ्रॉम रिजर्वायर डिवाइडेड बाय मेजर्ड इवेपोरेशन फ्रॉम पैन। ठीक है, एक्चुअल इवेपोरेशन फ्रॉम रिजर्वायर, एक्चुअल में कितना इवेपोरेट हो रहा है, एक्चुअल में एक्चुअल डाटा हमें कहाँ से मिलेगा? एक्चुअल डाटा हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमारे स्टेशंस हैं, जो मीटरोलॉजिकल स्टेशंस हैं, वहाँ से एक्चुअल इवेपोरेशन हमें डाटा मिलेगा और मेजर हमारे जो इवेपोरेशन पैन है वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब criticism against the use of evaporation measurement obtained from pens in the design may be labeled on the basis that the evaporation measured from a small pen will not be the same as the evaporation from large lake or reservoir, since the exposure conditions are not identical in both cases. हम evaporation pen तो हमारे पास छोटा सा है, और हमारे जो लेक होते हैं, हमारी जो झील होती है, जो नदियां होती हैं, जो सागर होते हैं, वहाँ से इवेपोरेशन जो है वो हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इवेपोरेशन होना चाहिए उतना हमें यहाँ पे नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमारा इवेपोरीमीटर कैसा है? छोटा सा है, उसकी डायमीटर तो 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर है, तो इसके कारण हम पेन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो सिंस द एक्सपोजर कंडीशन आर नॉट आइडेंटिकल इन बोथ केसेस, जो सनरेज का जो एक्सपोजर है लेक में और इवेपोरेशन पैन में, दोनों अलग अलग है। स्पेशली द हीट स्टोरिंग कैपेसिटी एंड द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द साइड एंड बॉटम ऑफ अ पैन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ लार्ज लेक और रिजर्वायर। जो रिजर्वायर हमारे पास है, जो हमने डैम बनाए हैं, या जो हमारे लेक्स हैं, लेक है, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो अलग है। ठीक है, उसका जो क्या बोलते हैं, वाटर स्टोरिंग, हीट स्टोरिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द साइड एंड बॉटम ऑफ अ पैन आर क्वाइट डिफरेंट, जो हीट ट्रांसफर हो रही है साइड से और बॉटम से वो भी अलग अलग है। तो क्या करते हैं हम, ऑल्सो द हाइट ऑफ द रिम अबव द वाटर सरफेस इन एन इवेपोरेशन पैन अफेक्ट द विंड एक्शन ओवर द सरफेस। ठीक है, जो विंड चल रही है रिजर्वायर में, जो विंड चल रही है और इवेपोरेशन पैन के ऊपर जो विंड चल रही है, वो दोनों अलग अलग इफेक्ट डालेंगे। उसके कारण जो इवेपोरेशन हो रहा है उसका इफेक्ट जो अगर अगर हम देखें तो वो दोनों डिफरेंट होगा। तो उसको हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हमको इफेक्ट में या उसका एडिशन या उसको
इंक्लूड करने के लिए, ये जो एरर आ रही है इस एरर को इंक्लूड करने के लिए हम पेन कोफिशिएंट का यूज करते हैं, ठीक है। इन एडिशन इट क्रिएट्स अ शैडो ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड ओवर द वाटर सरफेस विच अफेक्ट द रेडिएशन इंसिडेंट टू द वाटर सरफेस। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ रिजर्वायर इवेपोरेशन टू पेन इवेपोरेशन कॉल्ड द पेन कोफिशिएंट। जो रिजर्वायर है हमारे पास, जो लैक है, वहाँ पे जो इवेपोरेशन हो रहा है वो एक्चुअल इवेपोरेशन है, और हम जो इवेपोरेशन पैन में जो इवेपोरेशन देख रहे हैं वो मेजर्ड इवेपोरेशन है। तो उसका जो जो रेशियो हम ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेन कोफिशिएंट। इट इज़ कांस्टेंट ऑन एनुअल बेसिस, और ये कांस्टेंट होता है अगर हम ईयरली देखें, एनुअल बेसिस पे देखें, एंड डज नॉट वेरी एक्सेसिवली फ्रॉम रीजन टू रीजन फॉर अ गिवन टाइप ऑफ पेन। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है इस पर, ठीक है। तो दिस आस्पेक्ट मेड द यूज ऑफ पेन पॉपुलर एंड मैनी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेटरीज इंक्लूड द इवेपोरेशन पेन आल्सो। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पेन दैट आर इन कॉमन यूज, नेमली संकन पेन, फ्लोटिंग पेन और सरफेस पेन। तो संकन पेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, संकन पेन देखते हैं। जो पेन कोफिशिएंट समझ में आ गया, और हम पेन कोफिशिएंट क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। संकन पेन, ठीक। तो इसकी डायमीटर भी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 183 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यह 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है ये, 10 सेंटीमीटर, और ये 61 सेंटीमीटर। ये याद रखना, उसको मत याद रखना, ये है स्टैंडर्ड, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक, तो ये वाटर लेवल संकन पेन, दिस टाइप ऑफ पेन यूज्ड बाय यूएस ब्यूरो ऑफ प्लांट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ प्लांट इंडस्ट्री में यूज करते हैं इस टाइप का जो पैन है, संकन पैन। इसकी जो डायमीटर है वो 183 सेंटीमीटर होती है, और इसको हम बरीड कर देते हैं, मतलब जमीन के अंदर कितना गाड़ देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक, कितना है ये, यहाँ से यहाँ तक 61 सेंटीमीटर। जमीन के अंदर कितना है, अंदर 61 सेंटीमीटर, ठीक है। और ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से कितना ऊपर है, 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो संकल पेंस डायमीटर इज 183 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 61 मीटर डीप बरीड इन द ग्राउंड सच दैट द टॉप ऑफ द रिम इज 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, टॉप ऑफ द रिम इज 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर। So the water surface in the pan is maintained within plus minus 15 mm of the ground level. Water surface हम कितना रख के चलते हैं ground level से plus minus 15 mm या ऊपर plus या plus minus 15 mm मतलब ये 15 mm नीचे हो या 15 mm ऊपर ground level से, ये ground level है हमारा, तो या तो ये थोड़ा बिल्कुल minor होता है 15 mm इतना चलता है मतलब, ठीक है इतना ले सकते हैं ऊपर नीचे हो सकता है। तो इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ अ पॉइंटर गेज इन अ स्टीलिंग वेल आउटसाइड द पैन। ये पैन होता है इसके आउटसाइड एक पॉइंटर गेज लगा हुआ होता है, ठीक है, जो स्टीलिंग वेल होता है ना, जैसे ये है स्टीलिंग वेल, क्या है ये है स्टीलिंग वेल, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है एक पॉइंटर लगा हुआ होता है छोटा सा। तो द वाटर सरफेस इन द पैन इज मेंटेन्ड विद इन प्लस माइनस 15 mm ऑफ ग्राउंड लेवल, ठीक है। इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ अ पॉइंटर गेज इन अ स्टीलिंग वेल आउटसाइड द पैन। The स्टीलिंग well and the pan are interconnected by a small tube, ठीक, outside the pan. The स्टीलिंग well and the pan are interconnected by a small tube. The Colorado sunken pan is square in shape of side 91.5 centimeter 46 centimeter depth. जो कोलोराडो संकन पैन है वो कितना कितनी हाइट रहती है, अगर कोलोराडो संकन पैन की बात करें अगर एग्जाम में आ गया इस कोलोराडो संकन पैन तो हमको ये वाला फिगर तो बनाना है बट इसकी डायमीटर और डेप्थ चेंज कर देंगे। तो इसकी संकन पैन की जो शेप होती है एक तो स्क्वायर होती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्क्वायर साइज का होता है, दूसरा इसकी जो डायमीटर होती है इसकी डायमीटर कितनी होती है 91.5 सेंटीमीटर, डायमीटर तो होती नहीं स्क्वायर है, तो ये 91.5 सेंटीमीटर का इसका एक साइड होता है, जो साइड होती है चारों साइड इक्वल होगी तो 91.5 सेंटीमीटर की इसकी साइड से होती है और 46 सेंटीमीटर ये डीप होता है। तो द संकन पैन हैज द एडवांटेज दैट सर्टन बाउंड्री इफेक्ट्स सच एज द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ऑन साइड वॉल एंड द हीट एक्सचेंज थ्रू द साइड वॉल आर नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि साइड वॉल जमीन के अंदर है तो यहाँ से हीट एक्सचेंज होने का सवाल ही नहीं है, तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे, ठीक है। संकन पैन हैज द एडवांटेज दैट सर्टन बाउंड्री इफेक्ट सच एज द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ऑन साइड वॉल एंड द हीट एक्सचेंज थ्रू साइड वॉल आर नेग्लिजिबल। द पैन कोफिशियंट फॉर दिस पैन इज undesirably high and is about 0.95। इसका जो pan coefficient कितना होता है हम देखें थे, pan coefficient पॉइंट नाइन फाइव pan coefficient होता है इसका।
द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पेन आर इस पेन की डिसएडवांटेज क्या क्या है. नंबर पहला, इट टेंड्स टू कलेक्ट ट्रेस एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन. ठीक. दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल दिस पेन. इंस्टॉल करने का डिफिकल्ट है क्योंकि हमको इसको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एनी लीक. अगर कोई अंदर लीक हो रहा है तो वो डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली थ्रू द वॉल ऑफ द पैन. हालांकि वॉल से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती पर थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में तो होगी क्योंकि आइडियल कोई कुछ नहीं होता. तो इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली थ्रू द वॉल ऑफ द पैन टू द सराउंडिंग सॉइल which may be required in theoretical studies. तो ये हमारा संकन संकन पैन है.